मैं कुछ आम फहम बातें रखूंगा जिसका ताल्लुक तजारत से है या माल से है या कारोबार से। सबसे पहली बात यह कि इस्लाम एक वाहिद मज़हब है जिसने माल से मुतल्लिक बहुत सारी रहनुमाई की। लोग जो दीनदार और कोई दीनदार होता है, कोई मुत्तकी होता है, तो बहुत सारे लोग उससे ये तवक्को करते हैं कि इसका माल से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। यानी तकवे का मतलब ये है कि आदमी बिल्कुल माल और दौलत से बिल्कुल दूर हो। वो अगर पैसा कमाने की तरफ जाता है, तिजारत की तरफ जाता है, तो उस पर ये ब्लेम करते हैं तो दुनियादार हो गया, ये दुनिया के पीछे भाग रहा है। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि माल की, इस्लाम में माल को फितना भी कहा गया कि माल की, लेकिन माल की फजीलत भी बताई गई है, माल की अहमियत भी बताई गई है। बल्कि माल से मुतलिक देखिए मुस्तकिल निज़ाम इस्लाम के जो पांच पिलर है ना, पांच खंबे हैं, उसमें से एक ज़कात है जिसका ताल्लुक माल से है। इसका मुकम्मल निज़ाम मौजूद है ज़कात का। इसके अलावा आप देखें विरासत जिसका ताल्लुक माल से, उसका मुकम्मल एक निज़ाम मौजूद है। इसी तरह से आप देखें कि तिजारत, उसके ताल्लुक से कितनी आयात कितनी हादी, उसका भी एक मुकम्मल निज़ाम इस्लाम ने दिया है, तिजारत का, विरासत का, ज़कात का। इसके अलावा कर्ज के मसाइल आप देखें, इसके अलावा सूद की हुरमत है, इसके अलावा फिर हदिया है, हदिया वगैरह का मसाइल है, फिर माल गनीमत का मसला है, यानी माल का। और देखें बाद में मुसलमानों के पास एक मजबूत बैतुल माल भी था, और शुरू में जो सहाबे कराम के हालात थे, ऐसा नहीं कि वो हमेशा रहे, बाद में हालात बदले। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग सहाबे कराम के उन हालात को बयान फरमाते हैं जिसमें वो माली तौर पर परेशान थे, माशी तौर पर बहुत परेशान थे, और उन वाकयात को बयान कर करके ये जहन साजी की जाती है कि बस तुम्हें भी ऐसे ही रहना चाहिए, यानी माल के पीछे नहीं भागना चाहिए। हालांकि बाद में जब बैतुल माल मजबूत हुआ, मुसलमानों की माशी हालत बेहतर हुई, तो बहुत सारे सहाबे कराम की हालत वो नहीं थी जो पहले थी, हालात में तब्दीली आई, हालात उनके बेहतर हुए, अच्छे हुए। हत्ता कि उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में सहाबे कराम आकर ये बोलते थे कि आप हमसे घोड़ों में भी ज़कात लिया कीजिए, आप हमसे गुलामों में भी ज़कात लिया कीजिए। हालांकि घोड़ों में और गुलामों में ज़कात नहीं है। आप इससे अंदाजा करें कि माली हालत कितनी बेहतर हो गई थी कि घोड़ों में और इसी तरह से गुलामों में ज़कात देने पर वो हजरत आमादा थे जिसमें ज़कात थी भी नहीं, और उसमें ज़कात वसूलने का एक निज़ाम बना दिया था उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। और उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा सहाबे कराम की पेंशन जारी की। बैतुल माल मजबूत हुआ तो मुहाजरीन की, अंसार की, अहले बदर की, अजवाज मुतारात की, अहले बैत की पेंशन जारी किया। तो कहने का मतलब ये है कि माल कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर जिस आदमी से जुड़ जाए आप उसे बुरा समझें, दुनियादार समझें, या ये देखें कि भाई ये दुनिया के पीछे भाग रहा है। तो ये जहन साफ होना चाहिए कि मुत्तकी और परहेजगार होने का ये मतलब नहीं है कि वो आदमी माल से दूर रहे। माल कमा के भी आदमी मुत्तकी परहेजगार हो सकता है, बल्कि वो टॉप 10 सहाबा, 10 सहाबा जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी, उनमें अक्सरियत मालदारों की है। उन 10 सहाबा में अक्सरियत मालदार सहाबा की है जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई है। आप देखिए, बल्कि उसमें सरे फहरिस्त अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान बिन अफ्फान रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये बहुत बड़े बड़े मालदार सहाबे कराम हैं जिनको इसी दुनिया में जन्नत की सर्टिफिकेट दी गई। भाई तो ये समझ लेना कि जिसके पास माल है वो फासिक फाजिर है, वो दीनदार नहीं है, ये गलत बात है। और सबसे खतरनाक बात है कि ये जहन साजी करना लोगों की कि माल के पीछे नहीं भागना चाहिए। इस गलत जहन साजी का नतीजा ये ना कि मुसलमान नौजवान रात भर जागेंगे, गुटखा खाएंगे, ना कोई कारोबार है, ना कोई नौकरी है, नतीजा है कि लड़कियां भाग भाग के गैर मुसलमान से शादी कर रही हैं, किसी लायक नहीं बेचारे, बस वो अल्लाह पे तवक्कुल करके बैठे हुए। तो ये बहुत गलत जहन साजी है। इस मामले में ना थोड़ा सा ये कुछ ये जो दरवेश लोग गुजरे हैं ना बहुत सारे बीच में इस्लाम के नाम पे, वो हाँ, उन लोगों ने भी इस फिक्र को बहुत ज्यादा आवाज दिया। मुस्लिम नौजवानों को इक्तसादी तौर पर अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है।
उनके पास अच्छी नौकरी हो, अच्छा जॉब हो और अच्छी तजारत हो, तो पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि मुसलमान कौम इक्तसादी एतबार से, माशी एतबार से मजबूत हो, माली एतबार से भी मजबूत हो। तो उनको इस तरह से जो है उनकी जहनसाजी करके, मनफी बातें बता के, ये जहनसाजी मत करो कि बेचारे माल से भागे और वो हाल हो जो हम देख रहे हैं। तो ये पहली चीज मैंने कहा कि इस्लाम में माल की बड़ी अहमियत है भाई। जितना निजाम और जितनी तालीमात इस्लामी मजहब में मिलेंगी ना, आप विरासत को देख लें, जकात को देख लें, फिर माल गनीमत के मसाइल को देख लें, कर्ज के मसाइल को देख लें, सूद के मसाइल को देख लें, तो इतने सारी बातें आपको इस्लाम में मिलेगी माल से जुड़ी हुई। बाकी मुहद्दिसीन ने तो किताबें लिख के रखी ना, अलमवाल के नाम पे बाकायदा किताबें लिख रखी हैं, इतने मसाइल हैं माल से मुतल्लिक। तो इस्लाम का ताल्लुक ऐसा नहीं कि माल से दूर है, कोई माल से जुड़ गया तो मुत्तकी नहीं। तो ये पहली चीज मैंने आपके सामने क्लियर की। दूसरी बात यह है कि हमें तिजारत की भी तरगीब देना चाहिए, और जो तुजार साहबे कराम है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, या जो मालदार साहबे कराम थे, जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान बिन गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन हजरात की जिंदगी का वो पहलू भी सामने रखना चाहिए जिसका ताल्लुक माल से, कि किस तरह से इन साहबे कराम ने माल को कमाया, अपने ऊपर सर्फ किया, अपने परिवार पर सर्फ किया, और साहबे कराम की मदद की, इस्लाम की खिदमत की, किस तरह से माल की खिदमत की, वो भी हमें बताने की जरूरत है। हम सिर्फ फकर फाका की बात ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फकर से पनाह तलब करते थे, कहते थे ना, अल्लाहुम्मा इन्नी औद बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व औद बिका मिनल फ़क़्र व औद बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, यानी फकर और अजाब कब्र दोनों को एक साथ जिक्र करके पनाह तलब करते थे कि अजाब कब्र जैसे भयानक चीज है ना, वैसे फकीरी भी बड़ी भयानक चीज है। ये एक चीज। एक और चीज ज़हन में रखें कि अगर माली एतबार से इंसान मजबूत नहीं है, उसके पास अच्छा कारोबार नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छे पैसे नहीं है, तो इस्लाम की बहुत सारी तालीमात पे वो अमल भी नहीं कर सकता है। कर सकता है लेकिन बड़ा मुश्किल है। अगर माल है तो आसान है, लेकिन अगर माल नहीं है, फकीर है, तो इस्लाम की बहुत सारी तालीमात पर अमल करने से वो कासिर होगा। आप देखिए इस्लाम ने कितना कहा, तहादु तहाबु, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। अब हदिया माल नहीं रहेगा तो हदिया गए तो कि मांगते फिरोगे। इस्लाम ने तो भाई मना किया है सवाल करने से, हौसला शिकनी की है किसी के सामने हाथ फैलाने से, लेकिन अभी माल से आदमी दूर रहेगा, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो मांगेगा कि हदिया देगा बेचारा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना कि देने वाला जो हाथ है ना, जो ऊपर वाला हाथ है, वो बेहतर है बनिस्बत नीचे वाले हाथ से। तो मुसलमानों की ऐसी बन गई ना कि हमेशा लेने का सोचते हैं कहां से मिल जाए। कंपटीशन होना चाहिए देने का, और फिर जब लेने की बात आती नहीं, कहां से मिल जाए, कहां से मिल, उसकी वजह से इतना फितना, फसाद, हसद, जलन की जलन, आग एक दूसरे के खिलाफ, पूरा जो है तूफान मचा हुआ, आदमी एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए तुला हुआ है, सिर्फ इसलिए कि हमको यहां से मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, सिर्फ लेने पर आदमी तुला हुआ। तो देने वाला मिजाज बनना चाहिए। आदमी ये सोचे कि हम इससे ज्यादा दे ले जाए, हम इससे ज्यादा जो है सदका खैरात कर ले जाए, हम इससे ज्यादा लोगों को दें। तो इस्लाम की जो बहुत सारी तालीमात हैं, अगर पैसे नहीं है तो आप उन पर अमल नहीं कर सकते। आप देखिए इस्लाम ने, अभी मुंबई में आप देखें कितने छोटे छोटे घर होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। इस्लाम ने कहा बच्चे बड़े हो जाए आप उनका बिस्तर अलग कर दे। कैसे अलग कर देंगे भाई? बहुत सारे इस्लाम ने पर्दे का जो निज़ाम रखा है, एक ही घर में दुनिया भर के लोग रहते हैं, चार दो दो फैमिली, तीन तीन फैमिली रहती है, उसमें कितनी बुराई होती है आप जानते हैं। इन बुराइयों से आप कैसे बचेंगे? आपके पास पैसे नहीं रहने के लिए, घर नहीं आपके पास, तो आप पैसे कमाएंगे, आपके पास पैसे होंगे तो इस्लाम की बहुत सारी तालीमात पर आप अमल कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात सुकून, आप देखें ज़हनी तौर पर आदमी डिस्टर्ब रहेगा तो क्या अल्लाह ताला की इबादत करेगा? इसलिए देखो कुरान में जगह अकीमुस्सलावातुज़्ज़का जगह जगह साथ में है कि नमाज एक रूहानी ग़िज़ा है, और पैसा भी होना चाहिए आपके पास ताकि दिमाग आपका ठीक ठाक रहे। तो बहरहाल ये चीज भी जहन में रहनी चाहिए कि कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने बयान कर दूं कि देखिए कारोबार में उतरना चाहिए, कारोबार करना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल वादी है। इसमें सबसे अहम चीज है सच्चाई, सच्चाई और अमानतदारी। इसीलिए एक रवायत है, शेख अल्बानी रहमतुल्लाह ने पहले ज़ईफ कहा था लेकिन बाद में उसको हसन ले गैरी का सही तरगीब में, कि अत्ताजिर अस्सदूक, जो सच्चा ताजिर होगा, और अल अमीन, अमानतदार होगा, सच्चाई भी उसके अंदर हो और अमानत हो, तो क़यामत के दिन अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ होगा, शोहदा के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है अगर
تجارت آدمی کوئی کرے امانت کے ساتھ سچائی کے ساتھ. ورنہ ایک دوسری حدیث بھی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح میں نقل کیا کہ التجار هم الفجار, جو تاجر ہوتے ہیں وہ فاسق فاجر ہوتے ہیں. تو دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. تو آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں رکھتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے. اگر تجارت کے میدان میں اترتے ہیں تو بہت بہت بہتر چیز ہے اگر امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ آدمی تجارت کرے تو. لیکن یہاں پر ایک بات اور واضح کروں گا کہ ہمارے بہت سارے بھائی, جیسے کہ ہماری اسٹریم ہے نا حلال و حرام کاروبار کیا ہے, تو بہت سارے بھائی جب علماء سے سوال کریں گے تو سوال کب کریں گے بندہ پتا ہے؟ تجارت شروع کر لینے کے بعد سوال کریں گے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں حلال یا حرام. پہلے نہیں پوچھیں گے, بڑے چالو ہوتے ہیں, پہلے نہیں پوچھیں گے, وہ انوالو ہو جائیں گے اس میں, گھس جائیں گے, اس کے بعد سوال کریں گے کہ بھائی یہ حلال ہے حرام. اب اگر مان لو کسی عالم سے پوچھ لیا, مجھ سے پوچھ لیا کسی نے, میں نے کہا بھائی حرام تجارت نہیں کر سکتے, اب وہ دنیا بھر میں گالی دیتا پھرتے گا, گالی دیتا پھرے گا, کسی اور عالم کو تلاش کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ حلال, یعنی وہ فتوا شاپنگ کرے گا, فتوا شاپنگ, فتوی کی شاپنگ کرے گا, نکل جائے گا تو پہلے کاروبار شروع کر لے گا بغیر حلال حرام کی تمیز کیے, بغیر آدمی کاروبار شروع کرے گا اس کا فتوی کی شاپنگ کرے گا کہ ہمارے اس کاروبار کو حلال کرنے والا فتوا کدھر اویلیبل ہے, کون سی دکان پہ ملتا ہے, وہاں سے جا کے لے آئے گا. اگر 100 لوگ اس کو ٹکرائیں گے, اس سے ٹکرائیں گے اور 100 لوگ کہیں گے کہ بھیا تمہارا کاروبار حرام کا ہے, 100 کے بعد اس کو ایک بندہ مل گیا نا جس نے کہا ابھی تیرا حلال ہے, وہی اس کی نظر میں علامۃ الدہر ہے, وہی اس کی نظر میں سب سے بڑا محدث, سب سے بڑا فقی ہے, اسی کا وہ فین ہو کے رہ جائے گا, باقی سارے علماء کے خلاف بدتمیزی کرے گا, خاص طور سے فیس بک پر اس کے خلاف غصہ نکالے گا کہ اس نے ہمارے معاملے کو حلال نہیں کہا, اس نے ہمارا سپورٹ نہیں کیا. تو میرے بھائیو کاروبار شروع کرنے سے پہلے علماء سے ڈسکس کرو, پہلے آپ سوال اٹھاؤ کہ یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے, کاروبار شروع کرنے کے بعد نہیں. ابھی دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں نا, میں میرے پاس بہت کال آتی, میں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایک آدمی کہیں پہ جا کے جب شفٹ ہو جائے گا نا تو سوال کرے گا مولوی صاحب میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں پہ کوئی مسجد نہیں تو میں نماز کیسے پڑھوں. اب پہلے نہیں پوچھے گا کہ میں وہاں جا سکتا ہوں کہ نہیں جہاں پہ مسجد نہیں ہے, وہاں شفٹ ہو جائے گا اور شفٹ ہونے سے پہلے کیا دیکھے گا, وہاں پہ اسکول ہے کہ نہیں, وہاں پہ پارک ہے کہ نہیں, گھومنے کی جگہ ہے کہ نہیں, ہاسپٹل ہے کہ نہیں, بہت ساری چیز دیکھے گا. اگر نہیں دیکھے گا تو صرف ایک چیز مسجد ہے کہ نہیں. شفٹ ہونے کے بعد سوال کرے گا کہ اب میں کیا کروں, حالانکہ سوال اس کو پہلے کرنا چاہیے تھا. تو ایسے کوئی بھی تجارت شروع کرنی ہے آپ کو تو تجارت شروع کرنے سے پہلے آپ سوال اٹھائیے علماء کے سامنے رکھیے کہ میں یہ شروع کرنے جا رہا ہوں, یہ ٹھیک ہے یا حلال ہے یا حرام, یہ پہلے پوچھیے. اور بغیر پوچھے تجارت شروع کرنے کے بعد آپ فتوا شاپنگ مت کیجیے, ورنہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو فتوا دے دے گا. اچھا یہیں پر ایک اور اہم بات ہے میرے ذہن میں آئی, میں بتا دوں خاص طور سے علماء کے لیے, تجار کے لیے, تاجروں کے لیے, علماء کے لیے. علماء بےچارے آج کل بہت بڑی آزمائش میں, بڑی آزمائش میں, ان کی تنخواہیں کم ہوتی ہے, مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہوتے ہیں, تو ان پہ اتنا پریشر ہوتا نا عوام کا, ٹرسٹیوں کا, پبلک کا, کہ وہ بڑی سے وہ ہمت نہیں جٹا پاتے ہیں کوئی بات کہنے کی. کوئی بھی آدمی فتوا شاپنگ کرے گا نا تو اس کو آسان طریقہ کیا ملے گا, کسی مولوی کو بلایا, کسی ہوٹل میں بٹھایا, چائے پلایا, اس کے بعد وہ بلوانا شروع کر دیا کہ میں یہ کام کرتا ہوں مولوی صاحب صحیح ہے یا غلط. وہ بےچارا بڑی آزمائش میں پڑتا ہے. اور کتنے سارے لوگ بغیر جانے بوجھے ہوں ہاں کر دیتے, میں نہیں بالکل صحیح ہے, کون غلط بولتا بولنے دو. میں ایسے علماء سے کہنا چاہتا ہوں, ایسے ائمہ سے کہنا چاہتا ہوں جو ایک چائے پی کر کسی کے حرام کاروبار کو حلال کر رہے ہو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, ذرا غور سے سنو آپ کہ اس دنیا میں تمہاری حالت کیا ہے. بھائی اگر کسی مسجد میں ہو, کسی ادارے میں ہو تو ٹرسٹیوں کے جوتے کھا رہے ہو, یہی تمہاری حالت ہے نا, لوگ تم کو تنگ کر رہے ہیں, گالیاں دے رہے ہیں, مسجد کا نل خراب ہے تو تم کو چار بات سنا رہے ہیں, یہ حالت ہے دنیا میں. ارے کم سے کم آخرت تو بچا لو, وہاں تو تمہارے سدھر جائے, ورنہ اگر یہی رہا نا کہ فتوے بانٹتے رہے حلال و حرام تو دنیا میں بھی جوتے پڑے آخرت میں بھی جوتے پڑیں گے. اس لیے عقل مندی یہ ہے کہ اگر دنیا میں نہیں ملا تو آخرت کو تو محفوظ کر لو میرے بھائی, وہاں اس لیے کسی کو فتوے مت دو نا, عبرت حاصل کرو کہ کیا حالت بنا رکھی ہے لوگوں نے تمہاری, اور تم ان کو فتوے بانٹ دو. آپ سوچو کہ ایک سیٹ آدمی آپ کو چائے ملا کے فتوے گلوا رہا ہے, اس میں سے کچھ پیسہ آپ کو دے گا کیا؟ نہیں دے گا, نہیں دے گا, کچھ بھی نہیں دے گا. آپ مرنے لگو گے تو بھی نہیں دے گا, وہ آپ کو کیا ملے گا بتاؤ؟ صرف ایک چائے پلا کے حرام کاروبار کر رہا ہے, آپ کو کیا ملے گا؟ اس لیے علماء کو اس کاروبار کے مسئلے میں زبان نہیں کھولنا چاہیے, بہت زیادہ یقین ہو تبھی بات کرنا چاہیے, ورنہ نہیں بولنا چاہیے. وہ کھائے گا, وہ عائش کرے گا, وہ بندہ تجارت کرے گا وہ, اور آپ کیوں اس میں انوالو ہو رہے بھائی؟
अब्दुल्ला इब्ने उमर तबकात इब्ने साद वगैरह की सही रवायत है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला से ऐसे बहुत सारे लोग मसले पूछते थे, तो कहते थे कि तुम लोग मुझे जहन्नम का पुल बनाना चाहते हो कि मेरे ऊपर सवार होके जो है मेरे ऊपर सवार होके तुम जो है जन्नत में चले जाओ और मैं और जो है मेरा हिसाब किताब हो। तो वो बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं देते थे। तो ये तिजारत से मुतलिक सवाल जवाब देना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो कोई भी आदमी बेवकूफ बना के किसी तरह का फतवा ना ले पाए, ये जो है खासतौर से मैं उलमा से कह रहा हूँ कि दुनिया में परेशान है तो आखिरत की परेशानी को भी अपने लिए अपने अपना मुकद्दर मत बनाए। कोशिश करें कि यहाँ कुछ दुश्वारी है तो कम से कम आखिरत में हमारे लिए खैर हो। और ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उलमा का, बहुत बड़ा फायदा उलमा का। उलमा को देखिए, मतलब इस पर अल्लाह ताला की गर्च कुछ तंगी है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हलालो जो है हराम कारोबार में नहीं है, हराम कारोबार में नहीं। वरना आजकल देखो तो बहुत मुश्किल से कोई आदमी निकलता है जिसका कारोबार साफ सुथरा हो। बहुत कम लोग मिलते हैं, अल्लाह के बंदे, लेकिन बहुत कम मिलते हैं। तो उनको देख के इबरत हासिल करनी चाहिए और शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कम दिया है लेकिन हलाल है, लेकिन हम हराम कारोबार में नहीं है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि भाई हराम कारोबार में नहीं है, कम है लेकिन वो हलाल में है। अच्छा, एक और चीज है मैं जिक्र करूं, मैं बात खत्म करूंगा कि देखिए कारोबार के मसले में लोगों ने हराम कारोबार को बहुत आसान समझ रखा है। और उनके दिमाग में क्या चीज है कि मरने से पहले तौबा कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो ये बात याद रखें कि माली मामलात में अगर किसी का आपने गसब किया है, किसी का चोरी किया है, किसी को ठगा है, तो ये मसला सिर्फ तौबा से हल होने वाला नहीं है, बल्कि जो लॉस किया है आपने, किसी का नुकसान किया, वो आपको लौटाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं लौटाया तो फिर तौबा बहुत मुश्किल है, फिर तौबा बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कहता कि भाई अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं करता, अल्लाह ताला किसको बख्श दे अल्लाह की मर्जी, लेकिन तौबा बहुत मुश्किल है, यानी उसकी कबूलियत बहुत मुश्किल है। तो माली मामलात में अगर आपने कुछ खुर्द बुर्द किया है, किसी का चोरी कर लिया है, किसी को ठगा है, किसी के साथ जो है गद्दारी की है, किसी का पैसा हड़प कर लिया है, छीन लिया है, लूट लिया है तिजारत के नाम पर, किसी भी नाम पर, तो अगर उससे आप तौबा करना चाहते हैं तो वो पैसा उसको लौटा दें, वो पैसा उसको दे दें, उसके बाद तौबा करें। तो ये जहन में नहीं होना चाहिए कि मैं हराम कारोबार करूं आखिरत में तो मरने से पहले तौबा कर लूंगा सब क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, लौटाना भी पड़ेगा, और यहां नहीं लौटाया ना तो आखिरत में लौटाना पड़ेगा। और आखिरत में कैसे लौटाएंगे भाई, मैं एक हदीस पेश करके बात खत्म करूंगा। देखें, एक हदीस है सही मुस्लिम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने एक सवाल किया कि अतदरूना मल मुफलिस, कि तुम्हें पता है कि मुफलिस कौन होगा। मुफलिस सही मुस्लिम की हदीस है। तो सहाबे किराम ने कहा कि अल मुफलिसु फीना मल ला दिरहम लहु वला मता, कि भाई हमारे बीच में मुफलिस यानी कंगाल वो है जिसके पास दिरहम नहीं है, मालो मता नहीं है, वो मुफलिस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इन्नल मुफलिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन, फरमाया कि मेरी उम्मत का मुफलिस तो वो होगा जो क़ियामत के दिन आएगा क्या लेके, नमाज लेके, रोजा लेके, ज़कात लेके, सारी चीजें लेकर आएगा। व याती क़द शतमा हादा व क़ज़फा हादा, और इस हाल में ये सारी इबादतें लेकर आएगा कि किसी को गाली दिया होगा और किसी पर बहुतान लगाया होगा। व अकला माला हादा, और किसी का माल खाया होगा। इसमें यह भी है कि वह अकला माला हादा, और किसी का माल खाया होगा। तो अगर किसी का माल खाया होगा तो अब बताइए उसका अंजाम क्या होगा। अच्छा देखिए, शुरू का जुमला आप देखें कि नमाज जकात सब लेकर रहेगा। आज हमारे बीच में देखिए बहुत सारे सेठ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो नमाज में रहते हैं, रोजा भी रखते हैं, हज भी करते हैं, हर साल उमरा भी करते हैं, इतनी सारी इबादत करते हैं, लेकिन माली मामलात में बहुत बुरा हाल है उनका। तो वो क्या समझते हैं कि ये जो नमाज पढ़ा है इन्होंने, रोजा रखा है, जकात अदा की है, और माल में कारोबार में जो चाहो करो। भाई कुछ सेठ लोगों के जहन में क्या है, तुजार के जहन में क्या है कि कारोबार में जो चाहो करो, हमारी नमाज तो हो रही है, हमारे रोजे तो हो रहे हैं, हमारा हज तो हो रहा है। लेकिन ये हदीस जरा गौर से देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन आदमी नमाज, ज़कात, रोजा सब लेकर आएगा, और इस हाल में कि बहुत सारी बुराइयां किया होगा, उसमें से एक क्या है, वह अकला माल हादा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फयुता हादा मिन हसनातिही व हादा मिन हसनाती, तो जो मजलूम होगा, जिसका माल खाया है, जिसके साथ जुल्म किया है,
तो इसकी जो नेकियां है ना, यानी नमाज, रोजा, यानी किसी को अल्लाह ताला इसकी नमाज उठा के दे देगा, किसी मजलूम को इसकी जकात उठा के दे देगा, किसी का माल खाया होगा तो इसका रोजा उठा के दे देगा, ये सारी नेकियां उठा उठा के दे देगा दूसरे को। तो दुनिया में अगर वो किसी का माल खाने के बाद माल नहीं लौटा सका तो आखिरत में उसे माल की जगह अपनी नेकियां देनी होंगी, छुट्टी नहीं है। बल्कि आगे देखें हदीस में क्या है, फइन फनियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़्ज़ा अलैह, कि अगर इंसाफ करते करते उसकी नेकियां खत्म हो गई और जुल्म ज्यादा था, यानी इतना माल खाया था किसी का या कोई भी उसके साथ जुल्म किया था कि इसकी नेकियां देने के बाद भी इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं हुआ, यानी नेकियां इसके पास बहुत कम थी या ज्यादा थी लेकिन मजलूमों की तादाद ज्यादा थी, फिर अल्लाह क्या करेगा, फिर अल्लाह ताला उखिदा मिन खताहुम फतुरिहत अलैह, तो ये जो मजलूम है ना, मान लो जिस किसी का माल खाया तो उसकी गलतियां उठा के इसके ऊपर डाल देगा। मान लो उसने शराब पिया, किसी आदमी ने शराब पिया, कभी गलती किया, अब इस आदमी ने उसका माल चोरी कर लिया, तो उस शराबी का शराब वाला जो गुनाह इसके ऊपर डाल देगा, इसकी नमाज तो उठा के उसको दे देगा नमाज के सवाब, और उसके शराब का गुनाह इस पर डाल देगा, तुम तुरिया फिनार, फिर वो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है हराम कारोबार का और किसी का माल गसब करने का, लूटने का। इसलिए मेरे भाइयों, तिजारत करना चाहिए लेकिन उसमें अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ, किसी का माल चोरी नहीं करना चाहिए, नाजायज किसी का माल नहीं खाना चाहिए।